नैनीताल पुलिस ने 44,91,000 कीमत के 266 मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें कि मोबाइल रिकवरी सेल ने पिछले अक्टूबर महीने से अब तक लोगों के खोए हुए मोबाइल की रिकवरी की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। इस दौरान लोगों ने अपना खोया मोबाइल पाकर नैनीताल पुलिस का धन्यवाद अदा किया। वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि मोबाइल रिकवरी सेल लगातार लोगों के खोए हुए मोबाइल को खोजने की कोशिश करती है, आगे भी रिकवरी सेल खोए हुए मोबाइल खोजकर लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी से, ये लोकल हल्द्वानी से आई हूँ। मेरा लड़का आर्मी में है और मेरे लड़के का फोन खोया था। मेरे को बहुत बहुत नए साल में बहुत खुशी हो रही है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। से यहीं से लोकल से आई हूँ और मुझे मेरा फोन मिलने की बहुत खुशी है, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेरा फोन मिल जाएगा। नैनीताल पुलिस बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मेरा फ़ोन खोया था 2023 में मई में, और मेरे को 4-5 महीने के अंदर अंदर मेरा फ़ोन जो है वो मिला है। और नए साल की मतलब एक तरीके का नैनीताल पुलिस से मेरे को गिफ्ट मिला है ये, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मेरा फ़ोन जो है मिलेगा, बट मेरे को बहुत खुशी हुई है कि मेरा फ़ोन मुझे मिला है। देखिए, आज हमने जो रिकवरी की है, अगर हम वैसे बात करें लास्ट के 3 महीने की, तो लास्ट के 3 महीने में हमने 266 मोबाइल जो है वो रिकवर किए हैं। इनकी कीमत लगभग 45 लाख के आसपास है। और अगर पूरे 2023 की बात की जाए तो 2023 में हमारे द्वारा लगभग 900 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 1,58,00,000 रुपये है। जो पब्लिक के लोग हैं, इनको मोबाइल जो है सुपुर्द किए गए।